अगर आपके पास कोई भी बैंक का अकाउंट नहीं है, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, सो अगर आप पास एक ऑनलाइन वर्चुअल डेबिट कार्ड हो जिसमें आप वर्ल्ड की किसी भी जगह पे, किसी भी साइट पे, किसी भी इंटरनेशनल साइट पे आप शॉपिंग कर सकते हो, उसके बाद अच्छा खासा रिवॉर्ड पॉइंट भी जीत सकते हो, इसमें आपको वर्चुअल फ्री लाइटनिंग डेबिट कार्ड मिल जाते हैं, या फिर अगर आप फिजिकल डेबिट कार्ड लेना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं वालरस एप्लीकेशन द्वारा। इसमें आपको दोस्तों एक डेबिट कार्ड दिया जाता है आरबीएल बैंक से। ये जो एप्लीकेशन दोस्तों आरबीएल बैंक की तरफ टाइप है, पार्टनरशिप है, सो इसमें आप जो डेबिट कार्ड आपको मिलेगा, सो मास्टर कार्ड आपको मिलेगा और आरबीएल का थ्रू, ठीक है, आरबीएल बैंक के थ्रू आपको यह मिलेगा। सो इसमें आपको जो किसी भी जगह पे शॉपिंग कर सकते हो, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, और अच्छा खासा रिवॉर्ड भी जीत सकते हो, ठीक है। और इसमें फ्री है, कोई भी आपको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना होंगे। सिर्फ आपको क्या करना है, आपकी वॉलेट अकाउंट या फिर आदर्श अकाउंट से इस कार्ड पे आपको क्या करना है, पैसे को पहले ऐड करना है, उसके बाद उस पैसे को आप इस अकाउंट पे तो क्या करोगे, उस डेबिट कार्ड के द्वारा आप पेमेंट कर सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो इंटरनेशनल। या फिर मान लीजिए आपके पास एक SBI का खाता है और आपके पास रुपए का क्लासिक डेबिट कार्ड है, तो आप इंटरनेशनल जगह पर यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन इस एप्लीकेशन द्वारा अगर आप यूज़ करते हो तो इसमें आपको जो है फ्रॉड ट्रांजेक्शन कम भी हो सकती है, और आपकी जो पर्सनल जो बैंक अकाउंट है इसमें आपको सिक्योरिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और आपकी डेबिट कार्ड किसी को भी डिटेल्स नहीं देना होंगे। सो आपको कैसे आपको साइन अप करना है इस वीडियो में पूरा आपको दिखाएंगे, लेकिन आपको काम करना है, अगर आप सचमुच एक फ्री में वर्चुअल डेबिट कार्ड चाहते हैं शॉपिंग के लिए, इंटरनेशनल शॉपिंग के लिए, सो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आप नहीं देखना चाहते तो आप इस वीडियो को यही छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं तो पूरा का पूरा देखना, स्किप मत करना, और अगर पसंद आ जाती है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और दोस्तों टेक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों आपको काम करना है, प्ले स्टोर में जाके ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। इस एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां से क्लिक करके आप तुरंत डाउनलोड कर सकते हो। हाँ, एक बात दोस्तों, अगर आप मेरे रिफर लिंक यूज करते हो तो इसमें आपको 50 रुपया बोनस भी आपको मिल सकते हैं। सो लकीली आपको मिल सकते हैं, लेकिन आपको काम करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको वीडियो रिफर लिंक और लिंक पे जाके क्लिक करके आपको डाउनलोड करना है, और मेरा रिफर कोड भी मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो आपको यहाँ पर तुरंत इसको ओपन इंस्टॉल करने के बाद ओपन करना है। तो यहाँ पर देखिए आपको नेक्स्ट नेक्स्ट और नेक्स्ट पे क्लिक करनी है। इसके बाद आपको एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर देना है, जो नंबर आपके पास है, सो उसी नंबर पे एक OTP भेजा जाएगा, उस OTP को हम अलाउ कर देते हैं, और ये जो है नंबर ऑटोमेटिक OTP को वेरीफाई कर लेते हैं। अगर वेरीफाई नहीं करते तो हमें मैनुअली OTP को डाल के वेरीफाई करनी है। इसके बाद आपके यहाँ पर फर्स्ट नेम डाल देनी है, लास्ट नेम डाल देनी है, और ईमेल एड्रेस देना है, और आपकी पैन कार्ड में जो दोस्तों आपकी एक पैन कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए, पैन के साथ आपके एक आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड से मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, जिससे हमें OTP भेजा जाएगा KYC करने के लिए। सो ऑनलाइन पे KYC कम्प्लीट होगी। दोस्तों आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ पे आपको डेट ऑफ बर्थ देना है, और आपको मेल फीमेल चूज करके आपको साइन अप प्रोसेस में जाके आपको क्लिक करनी है। दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है, स्किप करना है मोबाइल नंबर देके, सारी डिटेल देके यहाँ पर स्किप करनी है। सो यहाँ पर स्किप करनी है, और आपको यहाँ पर कंप्लीट फुल KYC करनी होगी, ऑनलाइन पे KYC कंप्लीट होगी। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखिए इसको स्किप करनी है, और आपको टेक टू मे होम यहाँ पर आपको क्लिक करनी है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि योर KYC इज पेंडिंग, तो आपको यहाँ पर KYC, देखिए यहाँ पर जो वर्चुअल डेबिट कार्ड, देखिए यहाँ पर हमें तुरंत वर्चुअल डेबिट कार्ड यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा, देखिए यहाँ पर हमें डेबिट कार्ड कुछ भी यही शो नहीं कर रही है, ठीक है। सो यहाँ पर शो होगी, लेकिन पहले आपको यहाँ पर KYC कंप्लीट करनी होगी, देखिए यहाँ पर हमें KYC पे क्लिक करनी है। इसके बाद दोस्तों KYC के लिए आप क्या क्या दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, और ड्राइविंग लाइसेंस, तो आपको यहाँ पर क्लिक करके फोटो क्लिक करने होंगे। देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर जब फोटो पे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसमें आपको आपका रजिस्टर्ड एड्रेस देना है, और पिन कोड देना है, सिटी चूज करनी है, स्टेट चूज करनी है, और आपको प्रोसेस पे क्लिक करनी है। उसके बाद आप लोग डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, और डॉक्यूमेंट सेल्फ वेरीफिकेशन करने के लिए आपको प्रोसेस पे क्लिक करनी है। आपको सेल्फ वेरीफिकेशन के लिए आपको फोटो खींचना होगा, उसके बाद ये कम्प्लीट होगी। दोस्तों इसके बाद आपकी जो आपने जो पैन कार्ड अपलोड किया था उसी पैन कार्ड आपको क्या करना है, यहाँ पर एक फोटो में दिखा रही है कि आपको इस तरह से पकड़ना है, और आपको एक सेल्फी खींचनी है, एक फ़ोटो खींचनी है, और फोटो खींचने के बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट में क्लिक करनी है, जो यहाँ पर मैं करने के बाद मेरी जो है ID दोस्तों वेरीफाई हो जाएगी, और तुरंत में जो ID में दिखाई देगी। सो आपको फर्स्ट पे क्लिक करनी होगी सारे यहाँ पर फोटो खींचने के बाद।
दोस्तों यहाँ पर देखिए केवाईसी कंप्लीट होने के बाद इस तरह से वो दिखाती है, और आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड देखने के लिए आपको काम करना है। यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर वर्चुअल कार्ड, तो आपको यहाँ पर वर्चुअल कार्ड पे आपको क्लिक करनी है। देखिए हमारा जो है RBL बैंक की से टाइप पटना सी पे एप्लीकेशन, और इसमें जो देखिए यहाँ पर हमें वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल चुका है, और यहाँ मास्टर कार्ड मिल जाते हैं। देखिए मास्टर कार्ड मिल जाते हैं वर्चुअल डेबिट कार्ड और वॉलरस की तरफ से, ठीक है। और इसमें दोस्तों आप यहाँ पर फ्लिप क्लिक करके इसका एक्सपायर और CVV नंबर चेक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इसको कैसे यूज किया जाता है, नॉर्मली अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो आपको आपके जो नंबर होते हैं CVV नंबर एक्सपायर डेट देकर आपको पेमेंट करनी है। देखिए आप का काम करेंगे कि इसको मनी कैसे ऐड करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए नीचे एक ऐड मनी, सो आपको क्या करना है ये ऐड मनी पे क्लिक करनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए मान लीजिए मैं 1000 रुपये यहाँ पर ऐड करूँगा, तो आपको क्या करना है ओपन करनी है, कंटिन्यू क्लिक करनी है। इसके बाद दोस्तों आप दो तरह के या तीन तरीके से इसमें आप पैसा को जमा कर सकते हैं इस अकाउंट पे, पहला डेबिट कार्ड के द्वारा, इसके बाद आप UPI द्वारा, और नेट बैंकिंग द्वारा आप इसमें क्या कर सकते हैं ऐड कर सकते। सो दोस्तों आपने देख लिया है किस तरह से ये हमारा वर्चुअल कार्ड है, और इस कार्ड को दोस्तों आप आसानी वॉल पे किसी जगह पे यूज कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर डिजाइन पे क्लिक करते हैं, दोस्तों ये कार्ड इस तरह से आप नाम वगैरह डिजाइन का क्लिक कर सकते हैं। तो उसके बाद जो कार्ड इस तरह से डिजाइन होते हैं, पीछे नंबर होंगे और वॉल्ट लिखे होंगे, सो जी क्योंकि मास्टर कार्ड मिलेंगे आपको। तो इसके बाद आपको यहाँ पर जो प्रोसीड बटन देख पा रहे हैं, प्रोसीड बटन पे आपको क्लिक करनी है। सो कार्ड इस तरह से दिखाएंगे, तो आपको प्रोसीड पे क्लिक करनी है। सो आपको सारे एड्रेस फिल करने होंगे। तो यहाँ पर देखिए इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए, आपको फिजिकल कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर करीब 350 रुपये 350 रुपीस आपको यहाँ पर चार्जेस देना होंगे। बता दिया कि आपको किस तरह से इस एप्लीकेशन लॉगिन करनी है और वर्चुअल कार्ड को इनेबल करनी है, और लाइफ टाइम के लिए आप इसे सिम में इस्तेमाल कर सकते हो। सो और कोई भी झिझक नहीं है, आप इस आसान से यूज़ कीजिए, और आपको कोई भी डरने की फॉर होने की ज़रूरत नहीं है। यानी मान लीजिए इस कार्ड को अगर पता भी लग जाते हैं, सो आपको शॉपिंग करना है, तो आप अगर मान लीजिए आपको 20,000 शॉपिंग करनी है, तो आप 20,000 जमा कर लीजिए और तुरंत शॉपिंग कर लीजिए। इसमें क्या होगा, अगर कोई भी फ्रॉडी अगर जान जाती है ना, तब आपको एक भी ट्रांजेक्शन नहीं होगा, और आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना पड़ेगा, और आपके अकाउंट सेफ रहेंगे। सो बेहतर बढ़िया है, आप इस एप्लीकेशन यूज़ कीजिए और मज़े उठाइए। और हाँ, ज़रूर ऐसे इंटरेस्ट देखने के लिए मौजूद